हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया है आपने। देखिए, अब जो हम तीन क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पर, ठीक है, आ गया शाबाश। अब देखो यहाँ पर जो है, जो मैंने पहला वाला ये जो क्वेश्चंस है, पहला वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने लास्ट अभी वीडियो में बताया था, वो सेम उसी तरीके का है। ठीक है, करना क्या है बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि ए मैन बोरो सर्टेन रुपीज फॉर सर्टेन रेट फॉर टू ईयर। इफ द रेट परसेंट इज 4% मोर टू द प्रीवियस वन, ही हैज टू पे द 72 वी मोर एज ए इंटरेस्ट। फाइंड द सम ही बोरो। एक आदमी जो है कुछ पैसा जो है दो साल के लिए कुछ ब्याज पे लेता है, वो पता नहीं है, अगर 4% ब्याज बढ़ा दिया जाए, इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाए, ठीक है, दर बढ़ा दी जाए, तो 72 रुपये उसे अधिक देने पड़ते हैं। तो बताओ कितना रुपया लिया था उसने। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, 100 मानेंगे, है ना। पहले देखो बेटा, दो साल का अगर मान लो 1% ले लूँ मैं, तो दो साल के हिसाब से कितना हो जाएगा बच्चा, 2 रुपये, है ना, और 4% बढ़ गया तो 5% हो गया। ठीक, तो दो साल के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10 रुपये। माइनस करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, है ना, और है कितना बेटा, 72। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 9 8 72। तो 9 की वैल्यू, एक्चुअली हमने 100 माना था प्रिंसिपल को, तो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिटरी मेथड, रेशियो मेथड। तो हमारा 900 रुपये क्या आ गया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का करा ही नहीं रहा, जो मेंस के क्वेश्चन है अभी मैं नहीं करा रहा हूँ बच्चा। पहले बेसिक अपना डेवलप करो, जब आप बोलोगे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं मेंस के क्वेश्चन करा दूंगा। अभी तो मेंस का एग्जाम देखो होने वाला है वैसे तो, ठीक है, चलिए रब कर दूँ इसे। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान समझिएगा, अब ये जो दो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो दिखने में तो बहुत छोटे हैं और आंसर भी, कैलकुलेशन सॉल्यूशन भी बहुत छोटा ही आएगा, है ना, मतलब बहुत शॉर्टकट तरीके से भी करेंगे और लॉन्ग कट तरीके से भी करके बताते हैं। सबसे पहले आपको एक इसका कंसेप्ट बता दूं, लॉन्ग कट तरीके से करके देखते हैं, उसके बाद हम शॉर्टकट बताएंगे इसका। ठीक है, तो ये देखो क्या कह रहा है, ए सम बिकम्स डबल इन 20 ईयर, फाइंड द रेट परसेंट ऑफ एस आई। कोई भी सम, कोई भी पैसा, कोई भी मनी, कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी मूलधन डबल हो जाता है दो साल के अंदर, 20 साल के अंदर। एफडी करते हैं बैंक में 10 साल की 20 साल की, उसमें यही कहानी है, आपने 10 लाख रुपए लगाए, 20 साल बाद 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, वो इंटरेस्ट, वो डिपेंड करता है कि क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो 20 साल में कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, फाइंड द रेट परसेंट ऑफ एसआई। तो हमें क्या निकालना है बच्चा, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट का रेट, किस दर से ऐसा करोगे तो कहानी बनेगी हमारी। ठीक है, पैसा हमें नहीं पता, तो कोई बात नहीं, जब भी कभी ऐसी स्थिति आए तो हम क्या करते हैं, आंसर दो है ये बेटा, तीसरा नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, पी को क्या मान लो बेटा, 100। अब वो क्या कह रहा है, डबल हो रहा है ना 20 साल में, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है यार, अगर 1000 लोगे तो 2000, 100 लोगे तो 200, 500 लोगे तो 1000, कुछ भी लो अमाउंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो एसआई क्या आएगा, ए माइनस, तो कितना होगा, 200 माइनस 100, तो क्या हो गया बच्चा, इंटरेस्ट भी 100 हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, मैंने लिख के दिखा दिया, वैसे माइंड में ही कर सकते हो आप, एसआई माइनस वैसे ही कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला देखो बेटा, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में, क्या पूछा है उसने, अच्छा टाइम कितना हमारे पास, 20 साल, क्या पूछा उसने, रेट पूछा, पुट कर दो, ये हो गया 100, ये हो गया 100, ये पूछा है और टाइम है 20 साल और ये हो गया 100, तो 100 से 100 घटा नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 20 × 5 = 100, तो R की वैल्यू कितनी हो गई हमारी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, इतना नोट करें फटाफट जल्दी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, इसका शॉर्टकट, हाँ शॉर्टकट, चलो एक काम करो, अभी रुक जाओ, नोट बाद में कर लेना, शॉर्टकट बता दो साइड में, है ना। शॉर्टकट देखो क्या है, एक फॉर्मूला है, जब भी कभी रेट परसेंट ऐसा पूछे, मतलब आर पूछे, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ क्या दे रखा है, डबल, तो आप यहाँ लिखो डबल माइनस वन अपॉन में ईयर। ठीक है, डबल माइनस वन अपॉन में ईयर, और रेट निकालने के लिए क्या कर दोगे, 100। तो देखो डबल का मतलब 2 − 1 / 20 साल × 100, तो ये तो 2 − 1 कितना हो गया, 1 × 20 = 100। सारी कहानी खत्म। ये देखो, ये है लड्डू और ये है रसमलाई। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको,
चीज़ें क्लियर। देखो मेन क्या है ना कि पहले कंसेप्ट बताना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कंसेप्ट नहीं बताऊंगा तो क्या होगा कि आप कहोगे भैया ये तो जबरदस्ती कर रहे हो आप, डबल माइनस होने, ये फलान ढिकान है ना, ये तो अननेसेसरी रट्टा मारने वाली बात है। तो रट्टा नहीं मरवा रहे हम आपको, पहले आप कंसेप्ट डेवलप करें, उसके बाद उसके बेसिक पे देखो मेनली शॉर्टकट है क्या, आप फॉर्मूले उड़ा दें उसमें से, आप कैलकुलेशन उड़ा दें उसमें से, शॉर्टकट बन गया। ऐसा कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है कि भाई बनाया जाए, मतलब बेसिकली होता क्या है, सारे स्टेप उड़ा देते हैं। मैंने सारे स्टेप उड़ा दिए ना उसके अंदर, SIP ये फॉर्मूला में उड़ा दिए, शॉर्टकट बन गया। ठीक है, तो ये तरीका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। देखिए अब क्या है, अगला वाला जो क्वेश्चन है बच्चा, उसमें ना बस थोड़ा सा चेंज है। मैं देखो इसका कंसेप्ट बेसिक तरीके से जो हमने कंसेप्ट बताया था उस तरीके से नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे करेंगे। बस देखो यहाँ पे क्या आ गया, एक चीज चेंज हुई है बस, क्या, ट्रिपल। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ डबल की जगह क्या कर देना है, ट्रिपल कर देना है बस, खत्म कर ले। और चौवला आएगा मतलब फोर टाइम्स आएगा तो फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स आएगा फाइव, जितने भी टाइम्स आए। ठीक है, फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइन किया गया कि आप एक आराम से कर पाए। ये किसी बुक में फॉर्मूला नहीं है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ये ऐसी कंसेप्ट को देख के बनाया गया है। ठीक है, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3-1 अपॉन में ईयर कितना बच्चा 40 × 100, सेम वही कहानी। ये 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 कट मतलब चलो लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2 × 10 अपॉन में 2 4, 2 × 4 = 25 आंसर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी बातें आपको। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। अब एक अगर जो क्वेश्चन दूंगा मैं, उसमें डबल पूछेगा फिर ट्रिपल करेगा ऐसे करके। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।